बीजेपी ने बंद आज बुलाया है। सुबह से ही लगातार बंद का असर भी देखने को मिल रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कई जगहों पर ट्रेन का चक्का जाम किया हुआ है। नदिया, हुगली, मुर्शिदाबाद से तस्वीरें आई हैं, जिसमें बीजेपी के कार्यकर्ता रेल रोक रहे हैं और उसके बाद सुरक्षा बल से उनकी झड़प हो रही है। वहीं बंद के बावजूद ममता सरकार के अल्टीमेटम पर ट्रक वाले सड़क पर मौजूद हैं, लेकिन साथ में एक ट्रक ड्राइवर अपनी सुरक्षा के लिए हेलमेट भी पहने हुए दिखे। साथ ही बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने छात्रों के समर्थन में बंद का ऐलान किया और गिरफ्तार छात्रों की रिहाई की मांग की। बंगाल बीजेपी ने राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफे की भी मांग की है। बीजेपी के बंगाल बंद के बीच मालदा में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में हाथापाई हो गई है। टीएमसी ने बीजेपी के बंद का विरोध किया है। इसी दौरान दोनों पार्टी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प, तो वहीं खड़ी रही पुलिस। पुलिस के सामने ही दोनों तरफ के लोग आपस में भिड़ गए। उधर ममता सरकार ने कहा है कि आज कोई बंद नहीं है, सभी कर्मचारी को दफ्तर पहुंचने के निर्देश ममता सरकार की तरफ से जारी किए गए हैं। साथ ही दफ्तर नहीं पहुंचने वालों पर एक्शन की बात कही गई है। कर्मचारी को ममता सरकार ने नोटिस देने की बात कही है। टीएमसी नेता हालांकि कुणाल घोष कह रहे हैं कि बीजेपी के बंद का कोई असर नहीं दिखाई देगा, लेकिन तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। सुबह से ही बंद का असर कई जिलों में देखने को मिल रहा है। रही बात रेप और मर्डर की, ये तो बहुत बड़ा सोशल क्राइम है, लेकिन पूरा देश में हो रहा है। तो ये लोग कहीं भी किसी सीपीएम, किसी कांग्रेस, किसी भाजपा सीएम रिजाइन नहीं किया, यहां पर वो लोग पॉलिटिक्स करने चले आया। कल बंगाल बंद का कॉल दिया, वो तो पूरा फ्लॉप होगा। आज का उसका वो गुंडागर्दी, लेकिन बेसिकली फ्लॉप है, इसीलिए तो गुंडागर्दी किया। बंगाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने राज्यपाल को चिट्ठी लिखी है और नाबोन्नो अभियान के दौरान गिरफ्तार छात्र को तत्काल बिना शर्त रिहा करने की मांग की है। उन्होंने चिट्ठी में लिखा है कि राज्यपाल को छात्रों की रिहाई के लिए तुरंत राज्य सरकार से बात करनी चाहिए और उन्हें रिहा करने के उपाय करने चाहिए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ममता बनर्जी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ममता और उनकी सरकार तानाशाह जैसा रवैया अपना रही है। नड्डा ने कहा कि कोलकाता में पुलिस ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर बर्बरता की। नड्डा ने यह भी कहा कि ममता राज में अपराध और रेप का बोलबाला है, महिलाओं के लिए बोलना अपराध बन गया है। ममता बनर्जी की सरकार और उनकी बर्बर पुलिस द्वारा इंसाफ की मांग कर रहे डॉक्टरों, बंगाल के युवाओं और महिलाओं पर जो हिंसा और दमनकारी चक्र और का जो तांडव देखा गया है, वह निंदनीय तो है ही, साथ में वह मानवता को भी शर्मसार करने वाला है। बंगाल में एक बेटी के साथ निर्ममता की सारी हदें पार कर दी जाती हैं, मगर ममता बनर्जी चुप है। स्त्री की अस्मिता